भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में यह ध्येय था कि वो 400 सीटें लेकर आएंगे और 400 सीटें लाकर संविधान को बदलेंगे, संविधान से आरक्षण को हटाएंगे। वरना 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी क्यों लगा रही थी? और यही कारण है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गलत प्रयासों को रोकने के लिए दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। और आज दलितों से बदला लेने के लिए, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां से आदेश पारित कर रही है। देखिए, हमारे समाज में, हिंदू धर्म में ये बिल्कुल त्रुटि रही है कि जो एक ऐसी मान्यता रही है कि हम दलित समाज के व्यक्ति के घर में उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस पढ़ाई लिखाई के दौर में ऐसी सब मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। सब राजनीतिक दलों का काम होना चाहिए, ये उनकी कोशिश होनी चाहिए कि इस हर प्रकार की मान्यता को खत्म किया जाए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे आदेश देती है और किसी को अपना सरनेम, अपना कास्ट, अपनी दुकान पे, अपने ठेले पे लिखना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल इसी कारण से किया जा रहा है कि जो लोग कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं वो दलित समाज के लोगों से ना फल खरीदें, ना खाना खरीदें, उनके ढाबों पे, उनके रेस्टोरेंट्स पे खाना ना खाएं। और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस दलित विरोधी मानसिकता वाले आदेश पर रोक लगाई। विश्व हिंदू परिषद ने एलजी को लेटर लिखकर यही व्यवस्था दिल्ली में भी लागू करने के लिए मांग की है। मैं तो कह ही रही हूँ, विश्व हिंदू परिषद दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, उनके बाकी सारे, उनके जो जुड़े हुए संगठन है वो दलित विरोधी हैं, और वो हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार के दबे कुचले समाज को, दलित समाज को कोई भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाए।